ये एक इंग्लिश का शब्द है और ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है कि जनता द्वारा कोई भी जो विकास की चीज होती है उसको बनाया जाता है। तो एनएटी रोड जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का 26 करोड़ रुपए का अनुदान भी है, 66 करोड़ रुपए, 66 करोड़ रुपए हो गया है। 66 करोड़ रुपए जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही तो फिर मऊ की जनता टोल क्यों दे? ये पूरा टोल रोड नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि चुनाव से पहले कोई टोल का अता पता नहीं और चुनाव के बाद तुरंत ताबड़तोड़ रात दिन एक करके एक दिन भी खराब नहीं हो। जनता को लूटने के लिए चाह रहे कि हमारा एक दिन भी कम पड़ रहा है, ताबड़तोड़ रात में टोल बढ़ रहा है। अरे भाई, अभी जैसा यादव भाई ने कहा है, रोड तो पूरा बनाओ। जब उस पर लिखा गया कि राव मंडलेश्वर मार्ग और आगे जाकर के आशापुरा के बाद रोड भी नहीं है, जब वहां जाकर जनता वापस घूमेगी मंडलेश्वर की, बहुत शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा बड़ा झूठ और सबसे बड़ी बात, मैं आदरणीय मनीष जायसवाल जी आपको बताता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इसकी अगुवाई की और हम भी आपके पीछे आज यहां पर जो है आपने नेतृत्व किया था विधि जागृति मंच से और आपने जनता को और हमसे आह्वान किया था। आपका एसएमएस भी मिला था, माफी चाहूंगा, उस दिन मैं बाहर, मैं आधे घंटे में पहुंच गया था परंतु एक बजे तक नहीं पहुंच पाया था। परंतु आज जब भी आंदोलन करेंगे हम आपके साथ हैं। मऊ की जनता के लिए हमको कोई, हम पार्टी से ऊपर उठकर, मैं आज भाई पप्पू महेश्वरी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से आज हमारे इस जन आंदोलन को समर्थन किया है। उनके इस कदम को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आज जनता के साथ अहित हो रहा है तो उन्हें पार्टी को ताक में रखकर यहां पर हमारे बीच में आए और मऊ की सड़कों पर कदम ताल भी किया है। तो आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये रोड 2005 और 6 के बीच में जब मैं विधायक था और मोहम्मद सुलेमान साहब कलेक्टर बनकर से जब हटाया यहां से, तो पहली बार जब वो एमडी बने थे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, मुझे उन्होंने टेलीफोन करके बुलाया कि आओ कोई ऐसा रोड मुझे बताओ जो जिले से जिलों को जोड़ता हो और महत्वपूर्ण रोड हो, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के उस रोड को जिले से जिले को जोड़ेंगे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से। तब मैंने उनसे कहा था कि नर्मदा पर कसरावत के पास पुल बनाए, खरगोन और पश्चिम निमाड के लोगों को यह सुविधा होगी कि उनको खलगांड और धामनोद नहीं जाना पड़ेगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि उस समय इसको नंबर एक रोड दिया था, स्टेट हाईवे नंबर एक 2005 और 6 के बीच में सरकार नहीं थी, इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। जब प्राथमिकता नहीं ली गई और धीरे 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 ये नंबर खटकता गया, इस रोड की सुध नहीं ली। 2008 में चुनाव हुए और यहां से माननीय विजयवर्गीय जी चुनाव जीत कर गए और उनकी हित दृष्टि, व्यावसायिक हित दृष्टि इस पर पड़ी कि मऊ की जनता को कैसे लूटा जाए। 2010 में इस रोड को मऊ से रऊ का नाम दिया और उमरिया के पास इसको टोल, क्योंकि अगर ये उमरिया और उमरिया से मंडलेश्वर नाम देते तो ये मऊ के बीच में टोल नहीं लगा सकते थे। रोड बन रहा है उमरिया से, नाम दे रहे रऊ का, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है विजयवर्गीय साहब। परंतु ये मऊ की जनता या कांग्रेस अभी मरी नहीं है, यहां के लोग मरे नहीं है कि आपको और आपके लोगों को लूटने देंगे। हम लोग चुनाव भले हार गए हैं परंतु मैंने इस 10 साल तक मध्य प्रदेश में यहां की जनता का नेतृत्व किया है और
मरते दम तक पद पर रहूं या नहीं रहूं, इस जनता का हित मेरी जवाबदारी है। अब आप देख रहे हैं कि रहूं मंडलेश्वर है जमीन, जहां से रोड आपने बनाया है, महू तहसील के उमरिया गांव से आपने रोड बनाया है, वो नाम दे रहे रहूं का। और जैसा कि यदु भाई ने कहा, 20 किलोमीटर के दायरे में, शहर से 20 किलोमीटर के अराउंडिंग ये लोग टोल नहीं ले सकते हैं, ये टोल का नियम है। आपने देखा होगा कि पिकजंबर से खलघाट का मार्ग बना है, टोल कहां पर लगा है? धामनौद और खलघाट के बीच में, जब आखिरी उस पर जनता निकल जाए तब टोल लगता है। ये केंद्र सरकार की नीति है, ये केंद्र सरकार के रोड से। परंतु मध्य प्रदेश सरकार का कारपोरेशन, मध्य प्रदेश का मंत्री, मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाकर अपने गुर्गों को टोल वसूलने के लिए, उनसे चंदा लेने के लिए, उनसे भागवत और भजन कराने के लिए ऐसे रोडों का यह निर्माण किया गया है, ताकि जनता को मालूम भी नहीं पड़े और जनता को लूटा भी जा सके। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो आदरणीय साथियों, कोई भी नेतृत्व करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा विधि जागृति मंच जब भी आह्वान करे, आदरणीय गोविंद शर्मा जी, हम आपके साथ, आपके बस एसोसिएशन के साथ।